हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और मौसम देख सकते हैं, आज धूप आ रखी है और लाडो को ले जा रही हूँ मैं स्कूल। यहाँ पे आज लाडो का लास्ट पेपर है, छुट्टी पड़ गई है। आज से ट्यूशन की भी छुट्टियाँ और स्कूल की भी छुट्टी। अरे से पढ़ेंगी कल से, आज से ही छुट्टियाँ हैं बाबू, ट्यूशन की आज से ही छुट्टी है। चलो आपकी बस आ गई है, चलते हैं रोड में। चलो चलो, बस नहीं है। अरे आपकी नहीं है तो यहाँ पे मेरे अच्छे खासे फूल खिल रखे हैं, अभी मैं गुलाब के फूल। ये देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, और एक ही इस कलर का गुलाब खिल रखा है। आ गई, अच्छा चलो फिर धीरे धीरे चलते हैं। वो पीछे ऊपर वाले स्टॉप पर खड़ी है, वहाँ पे से बैठते हैं ना, एक बच्चा वहाँ पे से बैठता है। तो स्कूल ले चलती हूँ सीधे रूट में, गाड़ी में बिठा के आती हूँ, फिर आती हूँ घर। वो किट्टू को स्कूल भेजने के बाद जो है छोले तो ऐसे हैं, और यहाँ पर मैंने खीर बनाई है और बाकी आटा जो है मैंने रख दिया है, क्योंकि नाश्ता थोड़ी देर में बनाऊँगी। और अपने हस्बैंड के लिए, बेबू के पापा के लिए मैंने टोस्टर बना दिए, वो अभी जा रहे हो, कह रहे थे मैं रोटियाँ नहीं खाता हूँ, टोस्टर बना दो, तो उनके लिए टोस्टर बना दिए हैं। ये सॉस के साथ दे रही हूँ उनको, क्योंकि शायद थोड़ी देर में निकलना है उन्हें। हेलो, जरूरत से ज्यादा भोजन मत करिए, भोजन उतना ही करिए। टोस्टर ना मैंने जितने बने थे उनको दे दिए, बाकी तीन बचे हैं ये मैं उनको दे के आती हूँ, क्योंकि उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ तो उनको खाली चखने के लिए दे के आ रही हूँ। ये लो बच्चा पार्टी, तुमको सिर्फ चखने के लिए मिल रहा है टोस्टर, बाकी पापा को सारे टोस्टर खिला दिए। टोस्टर खाता हूँ, कह रहे थे नाश्ता नहीं करता हूँ, कह रहे थे, तो मैंने टोस्टर बना दिया उनके लिए। तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी ना, तुम्हारे लिए रोटी। अरे दीदी, तू ब्रेड और टोस्टर उड़ा ना, एक एक खा ली तुम, हम भी जाएंगे। हाँ, और यहाँ पे ना हम अभी ब्लॉग देख रहे हैं दीप्ति का, अभी अभी अपलोड कर रखा है दीप्ति ने। ये देखो कल ही आए हैं ना भांजी लोग, कल वाली ब्लॉग में दिखाया था मैंने आपको। तो ये लोग इतना सा टोस्टर खा रहे हैं और फिर मैं इनके लिए नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सबके लिए खीर और छोले लगा दिए हैं, और ये पूड़ियाँ और ये रोटियाँ, तो एक बारी मैं सबको खिला देती हूँ। आजा बेबा बैठ जा, तू भी, मैं बाद में हूँ, तुम खा ली। खीर ले बना रही हूँ चम्मच, ये बट इला है ना। चलो पापा को अलविदा कहने नहीं जा रहे बार में, चल प्रणाम बोलेगी पापा को। चलो मामा जी प्रणाम। चलो प्रणाम बोल दिया पापा को। चलो मैं जा रही रोड में छोड़ने के लिए, तू नहीं जा रही, तू भी आ जा शांत शांत। तो मेरी लाडो स्कूल से आ गई है, होली भी खेल रही लाडो, मुंह में गोबर लगाई है। फिर आज लाडो का लास्ट पेपर था, किसको देखने के लिए जा रहा है लाडो, अंदर आते ही सीधे अंदर जा रही है। तो बुआ और दीदी सोए हैं, किसने लगाया इतना कलर आपको, होली भी मना दी किट्टू के साथ। मैंने तो होली बना दी खुले से। अब कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आज लास्ट पेपर था, आया मजा अब। चलो उस कमरे में आगे खोलो, यहाँ बुआ लोग हैं। ट्यूशन की छुट्टी, और दूसरी बात सुनो फिर इधर आओ, स्कूल की छुट्टी ट्यूशन की छुट्टी, अब तो मज़े करेगा ना, अब हो जाएगा।
आप बोलोगे तो हो जाएगा। इधर आ जाओ, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। तो दिन का टाइम है, किट्टू यहाँ पे खाना खा रही है। लाडो अच्छे से बैठ के खाओ ना बाबू। ये कौन से तरीके से बैठे हो, देखो इसका तरीका कैसे बैठी खाना खाने के लिए। और यहाँ पे दीलो खा रहे हैं खाना, बेबो सोई है अभी। मैं भी थोड़ी देर में खाऊंगी क्योंकि बेबो ने खाया नहीं है ना, इसके साथ ही खाऊंगी। देखो कब से उठा रही हूँ इसको, उठ नहीं रही है। लाडो उठ जाओ, बेबा बेबा उठो, हेलो बेब, उठो चलो उठो। दीप्ति ने खा दिया खाना, उठो फिर। कितना सोएगी बाबू, कब से तो सोई है। कौन सी गोटियाँ, नहीं पता है मुझे, रखी होंगी कहीं। बेबो ने अच्छा मन लगा रखा है काम करने में। तो रात का ना 11 बज चुका है अब, जो है हमारी सोने की तैयारी हो रही है। हमारा खाना पीना डेली का आज का जो रूटीन था समाप्त हो चुका है। तो दीदी सो गए हैं और किट्टू भी शायद दीदी के साथ वहीं पे बगल में है, और दीप्ति और बेबो इस वाले रूम में। एक बारी मैं उनको भी दिखा देती हूँ। तो ही तो ये भी तो अच्छी बात थी कि छह घंटे तक सो रखे हैं तो ये लोग। अरे दीप्ति तो अपने अपने फोन में गेम खेल रही है। देखो 11 बज चुका है, इन लोगों को नींद नहीं आ रही। दीप्ति को तो आ रही है, इसको नहीं आ रही है। ये तो रात्रि चल रही, दिन में सोती है, रात में काम करती है। आज के ब्लॉग को अब समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलेंगे नई ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कल दीप्ति ने बोला इसलिए मैं भी बोल रही हूँ आज। तो आज के ब्लॉग को अब समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।